जिसके ऊपर उन्होंने कंप्लेंट डाली सीपी ऑफिस आई गेस। मतलब ये कैसी बात है मुझे समझ नहीं आ रहा कि तो है गाइस आज की वीडियो में क्या होने वाला है। आप लोग थंबनेल और इंट्रो देख के समझ चुके होंगे आई नो, फिर भी आप लोगों को थोड़ा बहुत एक्सप्लेन कर देता हूँ क्योंकि गाइस आज की वीडियो बहुत ही मजेदार होने वाला है। सो प्लीज वीडियो एंड तक देखिए। तो गाइस आप लोगों को बता दूं एलविश यादव हुआ है अरेस्ट। हाँ गाइस आप लोगों ने ठीक ही सुना है, एलविश यादव के ऊपर बहुत ही बड़ा केस लग चुका है। कुछ दिन पहले एलविश यादव एक धाम में गया हुआ था, आई मीन एक मंदिर में गया हुआ था, वहां पे वो कुछ पंगा क्रिएट कर दिया था, उसी वजह से एक बहुत ही बड़ा केस लग चुका है एलविश यादव के ऊपर। और कुछ दिनों से आप लोग देख पा रहे होंगे गाइस आई नो एलविश यादव कुछ ज्यादा ही हवा में हो रहा था बेटा, इसलिए बोल देता हूँ ज्यादा हवाबाजी ठीक नहीं है, ज्यादा ये ना गुंडागिरी माफियागिरी दिखाना उतना ठीक नहीं है। और ये जो तुम पंगा ले रहे हो ना टीम 07 से और एजाज खान से, ये लोग ना सिस्टम घुसा दिया ना पिछवाड़े पे बेटा, अब पता लग रहा है कि सिस्टम घुस गया है पिछवाड़े में, ये सिस्टम फिस्टम में कुछ नहीं रखा है, ज्यादा हवाबाजी ठीक नहीं है बेटा। इन दिनों तो इन लोगों से इतना पंगा ले रहे थे लेकिन काल के ब्लॉग में भाई हाथ जोर जोर के मतलब बोल रहे हो क्यों, टाइट हो गई हवा, केस ठोक गई ना। तो गाइस आप लोगों को बता दूं 2-3 दिन के अंदर एलविश यादव फिर से होंगे अंदर, और खुद आप लोग एक एलविश यादव के मुंह से लाइव सुन लीजिए। उन भाई ने मेरे को बोल रखा है इस पे इतने मुकदमे दर्ज है, इसने ये कर रखा है वो कर रखा है, मंदिर में इसकी एंट्री कैसे हो गई, मंदिर में इसने फोटो कैसे खिंचा ली, जिसके ऊपर उन्होंने कंप्लेंट डाली सीपी ऑफिस आई गेस। मतलब ये कैसी बात है मुझे समझ नहीं आ रहा कि खुद करो सब लोग करें तो सही, एलविश यादव वो चीज़ करे तो गलत, कि लोगों को नेगेटिव डाल के भी बहुत ज़्यादा उनको लगता है कि वो बहुत बड़े आदमी बन गए। तो मेरी सभी लोगों से भाई एक गुजारिश है, प्रार्थना है मेरी सभी लोगों से, एक रिक्वेस्ट है कि देखो मैंने, तुम जानते हो मेरे को इतने टाइम से, मेरे को जो जो फॉलो कर रहा है उसको पता होगा किस टाइप का आदमी हूँ मैं, क्या नेचर रखता हूँ मेरा, क्या करता हूँ मैं क्या नहीं करता, सब पता है सब लोगों को। सोशल मीडिया पे आधी से ज़्यादा ज़िंदगी है मेरी, बल्कि 90% ज़िंदगी मेरी सोशल मीडिया पे है। तो किसी इंसान को इतना पीछे मत पड़ो कि यू नो दिल से बददुआ निकले उनके लिए, मैं देता नहीं पर भगवान तो देख रहा है भाई। देखो सुन लिया गाइस, देख लिया गाइस कैसे हाथ जोड़ जोड़ के विनती कर रहा है। तो गाइस आज की वीडियो में इतना ही है, वीडियो कैसा लगा अपनी राय कमेंट पे बोल देना, ये सब चीजों को लेकर के आप लोगों का क्या राय है वो भी कमेंट में बोल देना, और चैनल में नया तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ऐसे ही वायरल टॉपिक पे वीडियो बनाता रहता हूं। और एक गाइस आप लोगों से हाथ जोड़ के ये रिक्वेस्ट है, आप लोगों ने पिछले वीडियो पे बहुत ज्यादा प्यार दिखाया था, ये वाली वीडियो में भी आप लोग अपना छोटा भाई समझ के बहुत ज्यादा प्यार दिखाया, इस वीडियो को इतना शेयर कीजिए ये वीडियो बस एलविश अर्मी तक पहुंचा दो, प्लीज रिक्वेस्ट है गाइस आप लोगों से। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।